यू लव मी, डू यू लव मी। तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके जाने से हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हुआ। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार थे। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में हुआ था। दिलीप कुमार का जन्म नाम यूसुफ खान था। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। दिलीप कुमार को उनके दौर का सबसे बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। पिछले एक महीने में वे 2 बार अस्पताल में भी एडमिट हुए थे। बुधवार शाम 4 बजे दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दिलीप कुमार का शुरुआती जीवन तंगहाली में ही गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वे पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे। यहीं देविका रानी की पहली नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप कुमार की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से हुई। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 वर्ष और सायरा बानो की उम्र 22 वर्ष की थी। 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमां से दूसरी शादी भी कर ली थी। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार बाटा से की, जो वर्ष 1944 में आई। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार 1951 और देवदास 1985 जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगले आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी यानी कि डबल रोल आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा और सौदागर। फिल्म किला दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार ने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय के ये एक अग्रिम अभिनेता रहे हैं।
दिलीप कुमार जी ने बॉलीवुड में 1940 में कदम रखा था। इस समय हिंदी सिनेमा अपनी शुरुआती दौर में था। उस समय ना ज्यादा एक्टर हुआ करते थे ना फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर। देश की आजादी के पहली फिल्म देखने वाले दर्शक वर्ग भी काफी सीमित थे। फिल्म जगत के जाने माने एक्टर दिलीप कुमार ने इस दुनिया को विदा कर दिया। काफी समय से बीमार थे और बार बार अस्पताल में एडमिट होने के बाद आज दिलीप साहब हम सभी को अलविदा कहकर चले गए हैं। कई दिग्गज नेताओं ने दिलीप कुमार साहब की याद में ट्वीट की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सायरा बानो के नाम ट्वीट किया। सायेदार दरख्त जिसके साये में फिल्म इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी, फल फूल रही थी। आज वो साया चला गया। दिलीप कुमार एक एक्टर नहीं है, एक अदाकार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वो थे, मैं थे शब्द उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। दिलीप कुमार जैसा एक्टर, दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जिसने अपना काम काम समझ कर नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपना काम तपस्या, आराधना, इबादत समझ के किया। इसीलिए उनके जो हजारों, लाखों, करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको पूछते हैं। कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं थी, कभी उन्होंने टीवी पर साबुन नहीं बेचा, कभी उन्होंने टीवी पर तेल नहीं बेचा, कभी शैम्पू नहीं बेचा। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपने टैलेंट को बेचा। लालच नहीं की, 250-300 फिल्में नहीं की। 75 साल के दौरान में सिर्फ 70 फिल्में की। इसे कहते हैं शख्सियत, इसे कहते हैं किरदार। आज के जो हीरोज हैं, किसी ने 250 कर ली हैं, किसी ने 300 कर ली हैं। डेडिकेशन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है, काम में रमना क्या होता है, ये सीखिए उनसे। ये वो सीख देकर गए कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। देखिए आज जमाना आया हुआ है, ये क्या कम है। देश के हर एक व्यक्ति को दिलीप साहब के जाने का गम है, फिर वे जाने माने लोग हो या आम जनता। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।